लगभग 180 किलोमीटर की नई रेल लाइन तेलंगाना में बिछाई जा चुकी है। साथियों, आत्मनिर्भरता की बात आती है तो मैंने हमेशा 5F की बात की है, फार्म टू फाइबर, फाइबर टू फैक्ट्री, फैक्ट्री टू फैशन और फैशन टू फॉरेन। ये बात मैं कह रहा हूं, इसी सोच के तहत हमने तय किया कि टेक्सटाइल में देश के एक्सपोर्ट को बढ़ाने के लिए हम देश में 7 मेगा टेक्सटाइल पार्क बनाएंगे। टेक्सटाइल पार्क जब लगता है तो किसान को भी फायदा होता है, मजदूर को भी काम मिलता है, व्यापार कारोबार भी फलता फूलता है। इनमें से एक मेगा टेक्सटाइल पार्क का निर्माण तेलंगाना में भी होने वाला है। ये टेक्सटाइल पार्क यहां बन जाएगा तो तेलंगाना के किसानों को तो लाभ होगा ही, जहां हजारों नौजवानों के लिए रोजगार के नए अवसर बनेंगे। साथियों, हैदराबाद देश की आत्मनिर्भरता का, देश के आत्मविश्वास का प्रमुख सेंटर है। तेलंगाना के दूसरे शहरों और गांवों में भी असीम सामर्थ्य है। यहाँ के खेतों में, यहाँ के किसानों के पास देश और दुनिया को देने के लिए बहुत कुछ है। यहाँ प्रकृति ने भी कोई कमी नहीं रखी है। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि जब तेलंगाना में भाजपा की डबल इंजन सरकार बनेगी तो तेलंगाना के शहर, तेलंगाना के हर गांव विकास के लिए यहां और तेजी से काम होगा। हमें सबको पॉजिटिविटी से जोड़ना है, सबको विकास से जोड़ना है। तेलंगाना के विकास की गति को हमें और तेज करना है। सबका प्रयास से ही हम तेलंगाना को विकास के नए शिखर पर ले जा सकते हैं। मेरे प्यारे तेलंगाना के भाइयों बहनों, विशेषकर मेरी माताएं बहनें, विशेष करके मेरे जोश से भरे नौजवान, आप इतनी बड़ी संख्या में हम सबको आशीर्वाद देने के लिए आए हैं। इसलिए मैं हृदय से तेलंगाना वासियों का नमन करके अभिनंदन करता हूँ, आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। मेरे साथ पूरी ताकत से बोलिए, भारत माता की, दोनों मुट्ठी ऊपर करके बोलिए, भारत माता की।